नमस्कार। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर बिहार के समस्तीपुर जिला से आ रही है, जहां खानपुर थाना अध्यक्ष मोहम्मद फहीम ने एक बड़ी सफलता हासिल करते हुए अपनी ही बेटी के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम देने वाले दुष्कर्मी व कातिल पिता को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया। दुष्कर्मी पिता की पहचान खानपुर थाना क्षेत्र के सिमराहा गाँव निवासी सीताराम यादव के 45 वर्षीय पुत्र भरत यादव के रूप में की गई है। गिरफ्तार दुष्कर्मी के पास से एक मोबाइल व उसकी निशानदेही पर मृत बच्ची के शव को ठिकाने लगाने में प्रयुक्त बाइक भी बरामद कर लिया गया है। उक्त जानकारी एएसपी समस्तीपुर संजय कुमार पांडे ने प्रेस वार्ता के दौरान दिया। प्रेस वार्ता के दौरान मौजूद पत्रकारों को जानकारी देते हुए एएसपी श्री पांडे ने बताया कि शुक्रवार 6 जनवरी की सुबह खानपुर पुलिस को सूचना मिली थी कि गांव के ही छबकी पोखर के पास प्लास्टिक के एक थैला में किसी छोटी बच्ची का शव पड़ा हुआ है। सूचना मिलते ही थाना अध्यक्ष मोहम्मद फहीम व अपर थाना अध्यक्ष नरेंद्र कुमार घटनास्थल पर पहुंच शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए समस्तीपुर भेज मामले की छानबीन में जुटे हुए थे। अचानक इसी दौरान स्थानीय लोगों ने मृतका के माँ को ही इस हत्याकांड का संदिग्ध बताने लगे, जिसके बाद थाना अध्यक्ष मोहम्मद फहीम ने मृत बच्ची के मां को महिला पुलिस की मदद से हिरासत में लेकर पूछताछ करने के लिए थाना लेते चले गए, जहां कुछ देर तक तो मृत बच्ची की मां कुछ भी बताने से परहेज करती रही, लेकिन पुलिस के कड़े तेवर के आगे टूट गई और सारी जानकारी थाना अध्यक्ष मोहम्मद फहीम को दे दी, जिसके बाद मामले की गंभीरता को देखते हुए उनके नेतृत्व में एक छापामारी टीम का गठन किया गया, जिसके बाद गठित टीम ने मानवीय आसूचना संकलन व वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर घटना के बाद से फरार मृत बच्ची के दुष्कर्मी पिता को गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेज दिया। दुष्कर्मी पिता की गिरफ्तारी के समय की जाने वाली छापामारी में खानपुर थाना अध्यक्ष मोहम्मद फहीम, अपर थाना अध्यक्ष खानपुर नरेंद्र कुमार, पुलिस अवर निरीक्षक खानपुर श्यामवंती कुमारी व थाना के सशस्त्र बल मौजूद रहे। अभी तक के लिए बस इतना ही। नमस्कार। दिनांक 5/1/24 को खानपुर थाना अंतर्गत एक पोखर के पास एक छोटी बच्ची का शव मिलने की सूचना प्राप्त हुई। थाना अध्यक्ष तत्काल वहां पहुंचे और शव को शिनाख्त करके उसको बरामद किया गया। इसी क्रम में मृतका बच्ची के माता पर आरोप लगाते हुए ग्रामीण द्वारा बताया गया, लेकिन पुलिस के द्वारा जब इसकी पूछताछ की गई, गहन रूप से बच्ची के शव का इंक्वेस्ट किया गया तो पाया गया कि शव के ऊपर खरोच या हल्का फुल्का जख्म था, लेकिन कोई एक्सटर्नल इंजरी नहीं दिखाई दे रहा था। तत्काल थाना अध्यक्ष द्वारा उस कांड को हत्या का कांड मान करके अनुसंधान प्रारंभ करने के लिए डेड बॉडी को लाया गया, लेकिन जब गहराई से उसको देखा गया तो मालूम चला कि इस बच्ची के साथ कुछ गलत काम किया गया है। तब पूछताछ के दौरान मृतका बच्ची की माँ के द्वारा सारी घटना का जानकारी दी गई और उनके बयान के आधार पर प्राथमिकी दर्ज की गई। प्राथमिकी में जो आरोप लगाया गया वो चिकित्सीय जाँच के दौरान और पोस्टमार्टम के अंत परीक्षण के दौरान भी सत्य पाया गया। उस 6 साल की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ था और बलात्कार के कारण उसके पेट के अंदर रक्त का अधिक मात्रा होने और उसका निजी अंग के को काफी रैप्चर हुआ था, जिसके कारण उस बच्ची की मृत्यु हुई थी। इसमें जब हम लोगों ने पूछताछ किया और घटनास्थल का निरीक्षण किया गया तो पाया गया कि उस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ किया गया था और बलात्कार के साइन उसके घर पर ही मिले थे। उसके पिता के द्वारा ये घटना कारित किया गया था रात में और उसके आधार पर जो उसके पिता को भी गिरफ्तार किया गया। एफएसएल की टीम को भी बुलाई गई और वहां से सारे पदार्थ को जब्त किए गए। बच्ची के जो कपड़े थे जहाँ घटना कारित किया गया था, घटना कारित करने के बाद मृत्यु के बाद उसके पिता अपने मोटरसाइकिल से एक आदमी बच्चे के सहयोग से ले जा करके
उसको तालाब में फेंक दिए थे जहां से उसकी बरामदगी हुई है।